जीत ले हम सारी दुनिया। पीछे हमें अटकने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छूलेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? इन दो चित्रों को देखिए। एक चित्र में प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है और दूसरे में एक इमारत। आपको कौन सा चित्र ज्यादा पसंद आया और क्यों? आप में से कुछ लोगों को प्रकृति का दृश्य पसंद आया और कुछ लोगों को इमारत। दोनों में से आपको एक चित्र ज्यादा पसंद आया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। यह बात हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि उसे कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई। इसे मूल्यांकन कहा जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मैं दोहराती हूँ, दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कौन करता है? अलग अलग परिस्थितियों में हम सब मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए हमें मूल्यांकन के बारे में और सीखने की जरूरत है। हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के विचार, काम या उनकी रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि दूसरे जब हमारे काम, विचार या हमारी रचना का मूल्यांकन करे तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगिता में इनाम जीत कर लाए तो आपके माता पिता, रिश्तेदार और शुभचिंतक क्या करेंगे? वे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप ना जीत पाए तो वे लोग क्या करेंगे? पहले वे आपकी हिम्मत बंधाएंगे, फिर वे इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों नहीं जीत पाए। वे आपकी गलतियां बताएंगे और सुझाव देंगे ताकि आप अगली बार और अच्छा कर सकें। जिस मूल्यांकन से आपको हिम्मत मिले और आप अपनी नाकामयाबी को भुलाकर फिर से शुरुआत कर पाए, उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। अब इस बात को दूसरी तरह से देखते हैं। अगर आपकी गलतियां बताकर आपकी निंदा की जाती, आपसे कहा जाता कि आपने अपनी स्कूल का नाम खराब कर दिया, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता। इस तरह के मूल्यांकन को विनाशकारी आलोचना का नाम दिया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। मैं दोहराती हूँ, अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो तो उसे
विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। क्या कभी किसी ने आपकी कोई रचना, जैसे चित्र, कविता, कहानी की उपयोगी आलोचना की है? क्या आप इसके बारे में कक्षा के सामने बात कर सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। क्या किसी ने आपके काम या विचारों के बारे में विनाशकारी आलोचना की है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी दोस्त को बता सकते हैं? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। हम दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्या हम एक गीत के माध्यम से इस बारे में जानने की कोशिश करें? कृपया खड़े हो जाइए। पारखी बन विचार और कार्य ऐसा करे के उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे के उज्जवल बनकर अडोल रहे। पारखी बन तू पारखी बन तू पारखी बन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पारखी बन तू पारखी बन तू पारखी बन। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खेल जाएगा। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खेल जाएगा। पारखी बन तू पारखी बन। पारखी बन तू पारखी बन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इस गीत में यह कहा गया है कि हमें दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम एक, उन्हें बेहतर बना सके, दो, सकारात्मक बदलाव ला सके, तीन, नए प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। मूल्यांकन करते समय हमें एक, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दो, कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, तीन, खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके,
सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। मैं दोहराती हूँ, हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके, सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके, सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? क्या हम आज के सत्र की शुरुआत उस गीत से करें जो हमने पिछले सत्र में सीखा था? कृपया खड़े हो जाइए। विचार और कार्य ऐसा करे के उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे के उज्जवल बनकर अडोल रहे। पारखी बन तू पारखी बन तू पारखी बन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पारखी बन तू पारखी बन तू पारखी बन। परिस्थिति से ऊपर
उठकर नवीनता से तो खेल जाएगा, परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तो खेल जाएगा। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने देखा था कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, उपयोगी आलोचना और विनाशकारी आलोचना किसे कहते हैं और हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। आइए अब इस बात पर ध्यान दें कि मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए। क्या हम एक और कार्यकलाप करें? मेरे पास एक चित्र है। मैं चाहती हूं कि आप में से एक छात्र इस चित्र की उपयोगी आलोचना करें और दूसरा छात्र इसकी विनाशकारी आलोचना करें। अब कृपया दो छात्र स्वेच्छा से यहां आए। आपने जो आलोचना की उसके लिए शुक्रिया। क्या हम उनमें से कुछ बातों पर चर्चा करें? अगर आपको किसी चित्र में कोई कमी दिखे, जैसे कि टेढ़ी नाक, तो आलोचना करने का सही तरीका यह होगा, इसकी नाक कुछ ठीक नहीं है, या फिर इसकी नाक जरा टेढ़ी है। पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा। लगता है कि चित्रकार टेढ़ी नाक वाला है, इसीलिए उसने चित्र में भी टेढ़ी नाक बनाई है। इस तरह की आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। मैं दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपकी मनपसंद टीम बहुत बुरी तरह खेल रही है। आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे, इन्हें टीम में क्यों लिया गया है, इन्हें कुछ नहीं आता, या ये लोग केवल खा पीकर ऐश करना जानते हैं, खेलना इनके बस की बात नहीं है? आप दोनों में से कोई भी बात नहीं कहेंगे। यह तो अच्छी बात है। दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें ना तो उनका अपमान करना चाहिए, ना ही उनके बारे में कोई बुरी बात कहनी चाहिए। फिर से कहिए, दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में भी कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी का मूल्यांकन करते वक्त उसका अपमान किया है? अब आपको उस बारे में कैसा लग रहा है? क्या आप जोड़ियां बनाकर इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं चाहती हूं कि बाद में कोई एक छात्र इस बारे में पूरी कक्षा के सामने भी बताए। ठीक है, बिना हिचकिचाहट के इस बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आपको अपनी बहन से गुस्सा है,
इसलिए आप उसके हर काम को बुरा बता रहे हैं। क्या यह सही है या गलत? यह बिल्कुल गलत बात है। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब भी आप शाम को 6 बजे के बाद तक खेलते रहते हैं, तब आपके पापा आपसे कहते हैं, बहुत खेल लिए, अब अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करो। उस समय आप क्या सोचते हैं? अरे वे कितने बोर बातें करते हैं, या उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खुशी से खेल रहा हूं। क्या आप इस तरह की बातें नहीं सोचते? आपको कभी भी बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है। तो बिना सोचे समझे हमें दूसरों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी की बातों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिखाई जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। क्या आप तैयार हैं? प्रश्न 1, आपका दोस्त परीक्षा की तैयारी करने के बजाय टीवी देख रहा है। आप उसकी यह गलती उसे बताना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? 1, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? 2, परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 3, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो। यह जवाब, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, उचित नहीं है, क्योंकि इस जवाब में अपमान की भावना है। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जवाब से यह पता चलता है कि आप उसकी गलती निकालकर उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि यह जवाब, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम अभी पढ़ाई करो, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो, उचित है, क्योंकि इसमें किसी का अपमान किए बिना एक सकारात्मक सुझाव दिया गया है। किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। मैं दोहराती हूँ, किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2, आपके भाई ने एक आकृति बनाई है जिसमें कुछ रेखाएं टेढ़ी है, आप उसे क्या कहेंगे? 1, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती। 2, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है। 3, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुचित है, क्योंकि आप किसी के काम का अपमान कर रहे हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को दुख भी पहुंच सकता है। यह जवाब,
इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है, भी अनुचित है, क्योंकि आप मूल्यांकन करने का नकारात्मक तरीका अपना रहे हैं। जबकि यह जवाब, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती, उचित है, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। आपके इस मूल्यांकन में एक अच्छा सुझाव भी है। अगली बार जब आपका भाई कोई आकृति बनाएगा तो संभव है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर ऐसी गलती नहीं करेगा। जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। मैं दोहराती हूँ, जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है और उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? इन शब्दों को देखिए, क्या आप इनको बेहतर तरीके से लिखने के सुझाव देते हुए उपयोगी आलोचना कर सकते हैं? आपको सकारात्मक तरीके से बात करते हुए सुझाव देने हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। मुझे खुशी है कि आप सीखी हुई बातों को प्रयोग में ला रहे हैं। अब एक और प्रश्न, प्रश्न 3, आपका भाई अपने रूप रंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, आप उसे क्या कहेंगे? 1, तुम कितने गंदे दिख रहे हो। 2, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। 3, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे। ये दोनों जवाब, तुम कितने गंदे दिख रहे हो और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अनुचित है, क्योंकि इनमें किसी का अपमान करते हुए आलोचना की गई है। यह जवाब, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे, उचित है, क्योंकि यहां पर कठोरता से यह नहीं कहा गया है कि उसका रूप रंग सही नहीं है, बल्कि सुधार लाने के लिए सकारात्मक रूप से एक सुझाव दिया गया है। तो किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके। मैं दोहराती हूँ, किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 4 दोस्त समुद्र के किनारे टहलने गए। उन्होंने आवश्यकता की सभी चीजों को 4 अलग अलग थैलियों में भर लिया। उनमें से एक थैली में खाने पीने का सामान था। खाने के सामान वाली थैली सबसे भारी थी। एक दोस्त ने स्वेच्छा से कहा कि वह खाने के सामान वाली थैली उठा लेगा। यह बात सुनकर बाकी सब दोस्तों ने उसे कहा कि वह बहुत भोला है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपनी मर्जी से इतना भारी सामान उठाना चाहता है। चलते चलते सब लोग कुछ खा पी भी रहे थे। जब वे आधे रास्ते पहुंचे
तब खाने के सामान वाली थैली खाली हो चुकी थी। तब वो आराम से अपना हाथ हिलाकर घूमने लगा। उस समय बाकी दोस्तों को यह बात समझ आई कि वह भोला नहीं था। मैं चाहती हूँ कि चार छात्र यहाँ आकर इस कहानी का मूल्यांकन करें। आप में से दो छात्रों को यह बताना है कि इस कहानी में आपको कौन सी बातें पसंद आई, और दो छात्रों को यह बताना है कि उनको कौन सी बातें पसंद नहीं आई। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। अब एक और प्रश्न, प्रश्न चार। एक क्रिकेट मैच चल रहा है, आपके दोस्त को चोट लगी है, फिर भी वह मैच खत्म करने के लिए खेलता जा रहा है। आखिरी रन लेते समय उसकी चोट में बहुत दर्द होने लगा और वह रन आउट हो गया। आपकी टीम बस एक रन की वजह से मैच हार गई। आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? एक, क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? दो, चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला। बदकिस्मती से हम हार गए, कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया। तीन, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम ने लिया ही क्यों। क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? यह जवाब उचित नहीं है, क्योंकि इसमें नकारात्मक भावना है, जबकि उस व्यक्ति ने तो बहुत बहादुरी के साथ खेला था। यह जवाब, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम ने लिया ही क्यों, ये भी अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति का अपमान किया गया है जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि यह जवाब, चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला, बदकिस्मती से हम हार गए, कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया, उचित है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई है। इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस मूल्यांकन में परिस्थिति और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें, तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें, तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न पांच। आपकी बहन की एक बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे कैसे बताएंगे? एक, आप कहेंगे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना। दो, आप कहेंगे, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था, और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। तीन, आप कहेंगे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और तुम कभी नहीं सुधर सकती। ये दोनों जवाब, आप कहेंगे, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था, और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे, और आप कहेंगे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम
कभी नहीं सुधर सकती, उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां निकालकर नकारात्मक तरीके से मूल्यांकन किया गया है। जबकि यह जवाब आप कहेंगे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना, उचित है, क्योंकि यह मूल्यांकन वर्तमान स्थिति पर आधारित है, इसमें बिना मतलब के पुरानी बातों को कुरेदा नहीं गया है। पुरानी बातों को निकालने से कुछ हासिल नहीं होता, ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। मैं दोहराती हूँ, मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर ले? दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।